தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, அருணாச்சல் சிவ मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिव पूजा के बारे में। शिव पूजा के लिए एक और महत्वपूर्ण दिन 15 दिसंबर रविवार, पूर्णिमा और धनु संक्रांति। संक्रांति और पूर्णिमा दोनों ही पर्व काल में गिने जाते हैं। पर्व काल का महत्व इतना है कि पूरे जीवन भर में की गई शिव पूजा का पुण्य केवल पर्व काल में एक बार भक्ति पूर्वक की गई पूजा के बराबर होता है। यानी पूरे जीवन काल में की गई शिव पूजा जितना पुण्य है, भक्ति पूर्वक केवल पर्व काल में शिव पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। पर्व काल क्या है? पर्व काल में है पूर्णिमा, अमावस्या, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और संक्रांति। साथ ही रविवार का जो दिन होता है, रविवार को की गई शिव पूजा जन्म मृत्यु का जो चक्र होता है उसे छुड़ाने वाली होती है। अब ये तीनों ही आपको बहुत विशेष एक ही समय प्राप्त हो रहे हैं। 15 दिसंबर रविवार को धनु संक्रांति भी है, साथ ही इस दिन पूर्णिमा भी है और रविवार का दिन भी है। बहुत महत्वपूर्ण दिवस है शिव पूजा के लिए, इसलिए सभी शिव भक्तों को इस दिन शिव पूजन अवश्य ही करना है। सरसित्यायन इस धनु संक्रांति को कहा जाता है। और पूर्णिमा को तो पूर्णिमा को यदि कोई भक्ति पूर्वक शिवलिंग को केवल जल मात्र से, अनेक जो अन्य अन्य प्रकार के द्रव्य हैं वो तो अलग बात है, किंतु केवल जल मात्र से यदि कोई पूर्णिमा को शिवलिंग को अभिषिक्त करता है, शिवलिंग को स्नान कराता है, तो ऐसे भक्त को सभी प्रकार के यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इतना अधिक महात्म्य होता है पूर्णिमा को। कोई ऐसा समय ही नहीं होता है, कोई ऐसा दिन नहीं होता है, कोई ऐसी तिथि, कोई नक्षत्र, कोई वार ऐसा नहीं होता है जिस दिन, जिस समय, जिस काल में शिवलिंग पूजा का महात्म्य नहीं होता हो। हर समय ही स्वामी का है। इसलिए जहां ये चीज वर्णित है कि पर्व काल में की गई शिव पूजा से एक पूरे जीवन भर की गई शिव पूजा का फल प्राप्त होता है, वही मेंशन है। इसलिए महापुण्य के विलासा करने वाले को सदैव ही नित्य ही लिंगार्चन करना चाहिए। सभी शिव भक्तों को नित्य लिंगार्चन करना चाहिए, भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। चाहे थोड़े समय के लिए करें, भक्ति पूर्वक आप तभी करें। और स्वामी के विषय में तो इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है, जैसा दूसरे देवी देवताओं के तो पट बंद हो जाते हैं, पर्दा लग जाता है, शयन का समय होता है, ये वो, किंतु स्वामी के बारे में तो जब आपके पास समय है तब आप शिवलिंग पूजा करिए। सुबह यदि आप शिव पूजा करते हैं तो अलग फल प्राप्त होता है, मध्याह्न में अलग होता है, संध्या काल में अलग होता है, और रात्रि में शिव पूजन का फल और भी अधिक होता है। तो इसलिए जब भी, ऐसा कोई बहाना आप नहीं कर सकते कि हम इस कारण से लेट हो गए या फिर हम लेट हो गए हैं, अब 11 बज गए हैं, इवन 12 बजे भी आप अभिषेक करिए। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कब फ्री होते हैं, कब स्वामी के लिए समय निकालते हैं, क्योंकि जो समय दिया गया है स्वामी ने, जो ये जीवन जीने का समय दिया है, इसमें से कुछ समय उनके लिए वापस से हमें शिव पूजा के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि लिंगार्चन से बड़ा, शिव पूजा से बड़ा कोई धर्म इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में नहीं है। जितने भी देवी देवता आप जानते हैं सभी लिंगार्चन करते रहते हैं, सभी शिवलिंग की पूजा करते हैं, इसलिए शिवलिंग पूजा से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। जब तक बुढ़ापा ना जाए, जब तक शरीर जर्जर ना हो जाए, जब तक बिल्कुल ऐसी स्थिति ना हो जाए कि अब तक हिला डुला ही नहीं जा रहा है, तब तक लिंगार्चन करना चाहिए। और जब ऐसी स्थिति हो जाए तब हृदय में लिंगम की भावना करके शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो शिवलिंग पूजा से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस दिन आपको क्या विशेष अभिषेक में करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। सबसे पहला द्रव्य होगा शुद्ध जल। शुद्ध जल से आप बिल्कुल छाने हुए कपड़े से छान करके जल एक पात्र में भर लीजिए और उससे भगवान का अभिषेक करिए। अभिषेक के लिए मंत्र आप पंचाक्षर मंत्र यूज कर सकते हैं या अन्य कोई स्तोत्रम आता है स्वामी की स्तुति बोलते हुए, लिंगाष्टकम या रुद्राष्टकम या फिर कोई भी आपको स्तुति आती है वो बोलते हुए या फिर अरुणाचल शिव बोलते हुए भगवान का अभिषेक करें। पहले शुद्ध जल से स्नान करें, स्नान अभिषेक कराएं, उसके बाद आप केले के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करके और उसे एक पात्र में डाल लीजिए, कटोरी या फिर कोई भी पात्र हो उसमें इकट्ठा कर लीजिए, और उनके ऊपर फिर शहद डालिए। शहद में अच्छी तरह से उन केले के टुकड़ों को मिक्स करके फिर उससे स्वामी का
अभिषेक करिए, ये अभिषेक करेंगे तो आपको इतना अच्छा अनुभव, इतना अच्छा लगेगा कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे लिंगम पर उन फलों के टुकड़े और शहद को अच्छी तरह से आप लेपित करिए, स्वामी का इस प्रकार से अभिषेक करिए। इसके बाद आपको पुष्प मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है। एक गुलाब के पुष्प या फिर जो कोई भी सुगंधित पुष्प हो पात्र में डाल करके उससे स्वामी का अभिषेक करिए। ध्यान रखिए कि जब पुष्प मिश्रित जल लिंगम पर गिरे तो साथ में वो फूल एक एक करके लिंगम के ऊपर गिरते रहे, ये भी अपने आप में एक आनंद की स्थिति होती है। इस प्रकार से स्वामी का अभिषेक करना है। इसके बाद आपको शहद से स्वामी का अभिषेक करना है, केवल शहद के साथ। शहद को अच्छी तरह से लेपित करिए या फिर ऐसी पतली धार आप लिंगम पर शहद की बांधिए कि धीरे 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 पूरे लिंगम पर वो शहद फैलता हुआ चला जाए। ये जो अभिषेक के द्रव्य होते हैं, इस समय यदि कोई भक्ति पूर्वक भक्त अभिषेक कर रहा है स्वामी का, उस समय यदि कोई पास में खड़ा होकर के, जो अभिषेक कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसके अलावा पास में खड़ा होकर के कोई स्वामी को इस प्रकार से भक्ति पूर्वक आनंदित होकर के देखता है तो उसे भी बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है जो लिंगम को अभिषिक्त तो होते हुए देखता है। तो स्वामी की करुणा बहुत ज्यादा है, हर क्षण पर पुण्यों का उदय होता है शिवलिंग के समीप जब हम जाते हैं तो। इसके उपरांत आपको दही से स्वामी का अभिषेक करना है। दही को अच्छी तरह से लिंगम पर लेपित करिए ताकि वहां की जो चिकनाहट है, जो शहद वगैरह है, वो अच्छी तरह से साफ हो जाए, और दही से आपको भगवान का अभिषेक करना है। इसके उपरांत आप शुद्ध भस्म से भगवान का अभिषेक करें। आपको जो मंत्र आते हो या फिर नमः शिवाय बोलते हुए थोड़ी थोड़ी भस्म आप स्वामी पर डालते जाए और अच्छी तरह से लिंगम को भस्म लेपित कर दीजिए। और उसके उपरांत आपको दूध से स्वामी का अभिषेक करना है। गाय के दूध से आप भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद चावल के आटे से, चावल का जो चावल होता है, या तो आटा आपको मिल जाए डायरेक्ट तो अच्छी बात है, अन्यथा चावल को मिक्सी में ग्राइंड करके वो पाउडर बना लीजिए, फिर उससे स्वामी का अभिषेक करिए। चावल के आटे के साथ भगवान का अभिषेक करें। इसके उपरांत चंदन मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है। एक जल के पात्र में थोड़ा सा चंदन घिस करके वो पेस्ट मिला लीजिए और फिर उससे भगवान का अभिषेक करिए। और सबसे अंतिम द्रव्य गंगा जल होगा, गंगा जल से आप भगवान का अभिषेक करें। इसके उपरांत लिंगम को अच्छी तरह से पोंछ दीजिए, साफ करके भस्म का सुंदर त्रिपुंड बनाइए। साथ ही इस दिन आपको 21 दीप शिवलिंग के चारों दिशाओं में प्रज्वलित करने हैं। 21 ना हो तो 15 दीप भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, 15 या फिर 21 दीप शिवलिंग के चारों दिशाओं में प्रज्वलित करें। 5 बिल्वपत्र पंच महाभूत लिंगम को बोलते हुए उनके मंत्र बोलते हैं, ओम पृथ्वीलिंगाय नमः, ओम जललिंगाय नमः, ओम अग्निलिंगाय नमः, ओम वायुलिंगाय नमः, ओम आकाशलिंगाय नमः, इस प्रकार बोलते हुए 5 बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए। उसके उपरांत आपको लिंगाष्टकम का पाठ करना है, जो शिव भक्तों को लिंगाष्टकम, बहुत सारे शिव भक्त ऐसे होंगे जिनको लिंगाष्टकम कंठस्थ होता है, तो भक्ति पूर्वक लिंगाष्टकम का वहां बैठ करके पाठ करें। इसके उपरांत आपको 108 शिवलिंग के जो नाम है, जो बहुत पहले मैंने एक वीडियो में आप सभी शिव भक्तों के साथ शेयर किए थे, जो बहुत पावरफुल नाम है भगवान के जो लिंगम से ही रिलेट करते हैं, उन 108 शिवलिंग के नामों को बोलते हुए थोड़े पुष्प या फिर पुष्प की पत्तियां आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। पुष्पार्चन आपको 108 शिवलिंग के नामों के साथ करना है। और यदि आप किसी शिव भक्त के पास वो नाम नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं शिवलिंग के 108 नाम। नैवेद्य में इस दिन आपको स्वामी के लिए खीर का नैवेद्य तैयार करना है। जब भी आप पूजा करें उसके उपरांत पूजा समाप्ति के बाद वो नैवेद्य को स्वयं महाप्रसाद समझ करके ग्रहण करें और अपने फैमिली मेंबर्स में भी वो खीर का नैवेद्य वितरण कर सकते हैं। स्वामी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और 3 प्रदक्षिणा अरुणाचल से बोलते हुए करनी है। साथ ही इस दिन आप ध्यान रखें कि नंदी जी की सेवा करनी है। आपको नंदी जी दिख जाए, जहां पर वृषभ दिख जाए तो उनको हरा चारा डाल सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, या फिर कोई अन्य खाद्य पदार्थ आप नंदी जी के लिए दे सकते हैं और उन्हें हाथ जोड़ करके वृषभ हमारे स्वामी के वाहन के रूप में उन्हें देखें और उन्हें प्रणाम करें, इससे आपको शिव कृपा प्राप्त होती है। तो इतनी जानकारी धनु संक्रांति के बारे में, अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।